हेलो माय क्यूटीज, कैसे हैं आप लोग। तो ना ही आज मैं टैरो रीडिंग से ना ही न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ। मैं आप सभी से आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आई हूँ। अप्रॉक्स अभी तक के मेरे करियर में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बट 1000 क्लाइंट्स की रीडिंग तो ली ही होगी। सो इन सब रीडिंग से मुझे एक चीज़ बहुत कॉमन लगी जो मैं सोची कि आप सबके साथ डिस्कस किया जाए। सो जब मैं क्लाइंट रीडिंग लेती हूँ तो बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो मुझसे पूछते हैं, काफ़ी बार ये रिलेशनशिप को लेकर के क्वेरीज आती हैं। बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग आज भी हैं जो अपने पेरेंट्स को ध्यान में नहीं रखते हुए सिर्फ अपने लव लाइफ को देखते हैं। जब मैं रीडिंग लेती हूँ तो मुझे ये चीज़ एज अ पर्सन बहुत ख़राब लगती है, टू बी वेरी ट्रू। मैं उनको जो रीडिंग में रहता है वही गाइड करती हूँ, बट द थिंग इज़ कि आप अगर अपने पेरेंट्स के 20 साल मिनिमम भी अगर आप मान लीजिए, अगर आप 20 ईयर्स जिन्होंने आपके रहने का, खाने का, हर चीज़ का, आपकी एडुकेशन, हर चीज़ का ध्यान रखा, एंड आप सिर्फ 2-3 साल के रिलेशनशिप या कुछ महीने के रिलेशनशिप के लिए आप उनके खिलाफ जाकर भी शादी करने को तैयार हो जाते हैं, या उनके मना करने के बावजूद भी आप लोग उस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो है। कोई प्लीज़ ऑफेंसिव वीडियो नहीं है। आई नो कि जब इंसान लव में होता है, रिलेशनशिप में होता है, तो उसको कुछ समझ नहीं आता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी को जानना। बींग अ गाइडर, बींग अ काउंसलर, ये जानना आप सभी को बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। हम अभी की सोच करके चलते हैं, हमारे पेरेंट्स जो है वो बहुत आगे की सोच करके चलते हैं। किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे को खुश देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो हमेशा चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो हमेशा खुश रहें लाइफ में, बट कुछ डिसीजंस जो होते हैं वो उनको हार्श लेने पड़ जाते हैं क्योंकि हमारी वजह से हम फ्यूचर में खुश रहें, इसलिए वो अभी हमारे ऊपर कुछ हार्श डिसीजंस थोपते हैं। आप सभी ने बहुत बार सुना होगा कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने माँ बाप के रूप में हम सबको दिया है। जिनके पास पेरेंट्स नहीं हैं वो इस चीज़ की वैल्यू करते हैं, वो ये चीज़ जानते हैं कि कितना हार्ड होता है बिना माँ बाप के रहना, बिना पेरेंट्स के रहना। हैट्स ऑफ टू देम सबसे पहले तो, कि जो बिना पेरेंट्स के अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हैं। बट जिनके पास पेरेंट्स हैं, प्लीज़ आई वुड एडवाइस एवरी वन ऑफ यू, प्लीज़ आप उनकी सुनिए, उनकी बातों की रिस्पेक्ट करिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए। अगर आप अपने पेरेंट्स को खुश नहीं रख सकते हैं तो आप कभी भी भगवान से स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भगवान ने ही हमें माँ बाप दिए हैं ताकि हम उनसे अपनी बातें शेयर कर सकें, उनके साथ अच्छे से व्यवहार कर सकें, उनके साथ अच्छे से उनकी चीज़ों को पूरा कर सकें एंड उनकी बात मान सकें। अगर आप उनसे अच्छे से बिहेव करेंगे तभी भगवान आपका साथ देंगे लाइफ में, वरना आप स्पिरिचुअली कभी भी कनेक्टेड नहीं रह सकते हैं। आप लाइफ में हमेशा ही हमेशा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा किसी ना किसी फील्ड में। बहुत कम लोग हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं, बहुत बड़ा सब यूट्यूब चैनल नहीं है मेरा, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं। तो अगर मैं ये 100 लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच रही है या 200 लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच रही है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए, प्लीज़ उनकी डिसीजन को, उनकी जो भी वो कह रहे हैं उस बात को समझिए। अभी नहीं बट आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि वो आपके अच्छे के लिए ही कह रहे हैं। ऑल्दो रीडिंग्स में बहुत बार क्लाइंट्स ऐसा भी कहते हैं कि माँ बाप को तो समझ में ही नहीं आता, मेरे पेरेंट्स समझते ही नहीं है। ऐसा नहीं है, पेरेंट्स आपसे ज़्यादा दुनिया देख रखे हैं, वो आपसे ज़्यादा समझते हैं, बट द थिंग इज़ कि आप अभी की सोच रहे हैं, वो आगे की सोचते हैं। प्लीज़ सब लोग से ये रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए, उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करिए। आज नहीं बट आपको फ्यूचर में जाके ज़रूर ये रियलाइज़ होगा कि आपके पेरेंट्स कितने सही थे और आप कितने गलत थे। मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ कि लव मैरिज मत करिए या अपने पार्टनर से शादी नहीं करिए, बट मेरा मेन कंसर्न ये है कि अगर आप शादी कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करिए। जितना आप कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए वो करिए, बट प्लीज़ कोई रॉन्ग स्टेप मत लीजिए जिससे आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट या उनके हेल्थ पे कोई इशू पड़े या उनकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आए। एक ये स्मॉल रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अगर आप अपनी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे, अपने मदर फादर की रिस्पेक्ट करेंगे, तभी आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो सकते हैं, तभी भगवान आपके घर में रहेंगे। मुझे बस ये मैसेज कन्वे करना था आप सभी लोगों को कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स को डिसओन मत करिए,
करिए, उनके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करिए। एंड आप सभी बहुत समझदार हैं, मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगी आप सभी के पास, आप सबको पता है ये चीज़ कि मतलब पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट देन टू कहीं ना चाहते हुए भी हम बच्चे अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट कर ही देते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू हू एवर इज़ वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ 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 अपने पेरेंट्स के डिसीजंस का रिस्पेक्ट करें, एंड वो जो कह रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। एंड अगर आपकी लव मैरिज नहीं भी हो पाती है ड्यू टू कि आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, सो प्लीज़ उस चीज़ को कंसिडर करिए, एंड कोई भी ऐसा कदम मत उठाइए जिससे आपके पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो सके। दैट्स ऑल, बस इस वीडियो में मुझे आपसे यही बात करनी थी, मेरी एक छोटी सी यूट्यूब फैमिली है, मुझे आपसे यही बात करनी थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मैसेज को सुन पाएँ। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड पॉजिटिविटी एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री श्याम, जल्द मिलूंगी आपसे एक टैरो रीडिंग वीडियो के साथ।